अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते हुए ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते बॉस। हेलो व्हाट्सअप, थैंक यू फॉर वॉचिंग एडी बेग एंड टुडे आई एम एट अ डिफरेंट प्लेस। इस बार मैं सवाल सैटरडे भी नहीं कर सका बिकॉज एडिटिंग के एंड से थोड़ी सी मैसअप हो गई थी, तो मैंने सोचा आज एक मज़े का व्लॉग बना लूँ। आज मैं हूँ डॉक्टर उमर आदिल की तरफ और आज हम यहाँ पे आए हैं उनसे कुछ मज़े मज़े की बातें करने, कुछ लाइफस्टाइल देखने, कुछ मज़े मज़े के खाने देखने, और वो बहुत अच्छे कुक हैं। और इसके अलावा हमारे साथ खावर रियाज भी होंगे और वो तो सोने पर सुहागा है। हाँ जी, तो इतने मज़ेदार खाने के बाद अब ये तो हो नहीं सकता कि डॉक्टर साहब और खावर बैठे हों और गुफ्तगू ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि आज का जो मेन्यू था वो आपने जब चूज़ किया तो आपके जहन में क्या था? मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ ममता थी। जब आप किसी के लिए कोई चीज़ पकाते हैं, आप हमेशा ये समझें कि उसने वो चीज़ पसंद करनी है जो उसको अपनी माँ की याद दिलाते। खुदा की कसम, लोग बड़े से बड़े खानसामा के हाथ का खा के कहते हैं, नहीं अम्मी यस तो बहुत बेहतर पकाते सर। और यकीन कीजिए, जब आप मटन का जखनी पुलाव पकाते हैं तो उसमें क्या डलता है? अरे प्यार दी बड़ी चूंडी। और बहुत लोग कह रहे हैं कि इनमें जो मैंने बहुत अरसे बाद बचपन की माँ के हाथ से वो इस तरह का पुलाव खाया था गोश्त वाला, असल में पुलाव ये होता है जो इन्होंने आज खिलाया हमें, मतलब वो उसको जो दम के बाद ढक्कन है वो हमारे सामने खोला गया था। हाँ। और वो इतना रिफ्रेशिंग था और इतनी चाह से बनाया गया था। असल चीज़ ये थी कि टेस्ट की बात नहीं थी उसमें, उनकी वो चाहत और उनकी जो जो उन्होंने अपनी मोहब्बत से उसमें जो नज़र डाली थी वो नज़र आ। अब समझ आ गया आपको कि आज खाना बनाते वक्त मेरा ये ख्याल ये था कि इम्प्रेस करके मैंने खबर को गोद ले लेना है और इन्हें बेबे बेबे करके मेरे गले लग जाना है। समझे आपका खाने में ट्राई दे रहा था कोई इनके यहाँ शेफ लगने के लिए? नहीं नहीं भाई, आज का खाना तो मदर्स डे स्पेशल था और लाजवाब किस्म का मेन्यू था। ये उमदा बात कही आपने, मदर्स डे स्पेशल। मदर्स डे खाना हमेशा अच्छा इमोशन ही बनता है। डॉक्टर साहब को खाने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें इमोशन इन्वॉल्व होते हैं। बगैर मिर्चों के टेस्ट डेवलप करना, वरना हमारे यहाँ औरतें 12 मसाले डालती हैं पर टेस्ट नहीं होता। डॉक्टर आप ऐसा क्या करते हैं? मैं ऐसा ये करता हूँ, तो पहली बात यह कि आप नीयत के साथ पकाएं। पकता मुझे अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे जिले हुआ को। वो कहती थी भाई जान, खाना पकता है असल पहले मवाद के नाल। गोश्त पूरा हो बेहतरीन हो, घी असली हो उम्दा तरीन हो, मसाले कमाल हो, चावल हो तो पोटे पोटे जिन्हें लम्बा बासमती हो। तो ये भी पदार्थ खुद जाके लेके आते हैं? बिल्कुल, ये कहते हैं कि गोश्त लेना इज लाइक फोर प्ले। हाँ, आर्ट भी है फोर प्ले भी है, इसलिए कि खाना एक अल्टीमेट प्लेजर है। अगर उससे पहले ये सारे लवाजमात पूरे नहीं किए जाएंगे, बेटा जी किसी और के हाथ से मंगवाया हुआ गोश्त आपको कभी भूनते हुए पसंद आ सकता है? तो जो बोटियाँ आप कराइया ने कसाई देना थोड़ा मामला चल रहा है, फिर गल ही हो रही। अच्छा मुझे पता है आजकल कोई फैशन ट्रेंड टाइप की चीज़ बन गई है मदर्स डे, तो आज का मदर्स डे में देखा था फेसबुक और सोशल मीडिया भरा पड़ा था मदर्स की पिक्चर्स के, आम दिनों के अंदर अम्मियों के साथ तस्वीरें खिंचवाया ना, लेकिन आज के दिन ऐसी और कहाँ कहाँ से अम्मियों की तस्वीरें ला के लोगों ने लगाई हुई थी ब्लैक एंड वाइट को कलर्ड करके, तो आपका इसके बारे में, क्योंकि मतलब पहले शुरू में आज से 10-15 साल पहले मैंने मदर्स डे का ना नाम नहीं सुना था कि जी इतने जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। व्हाट डू यू टू से अबाउट दिस? आई हैव टू से वेरी सिंपली दिस, तजदीद वफा, तजदीद मोहब्बत, तजदीद अहद, रीअफर्मेशन ऑफ अ प्रॉमिस, रीअफर्मेशन ऑफ अ लव, रीअफर्मेशन ऑफ अ रिलेशनशिप। अरे कम से कम साल में एक दफ़ा माँ को याद करके ये तजदीद वफा तो हो जाती है, क्या हर्ज है एक दिन मदर्स डे मनाए? फादर्स डे मनाया जाता है, वैलेंटाइन मनाया जाता है, एक सिर्फ यौम महबूब होना चाहिए। सारे दिन रिश्तों के सहारे गुजरते हैं, मगर इस एक दिन उस रिश्ते के साथ आप एक और तजदीद करते हैं, रिजुविनेशन। और बेटा जी रिजुविनेशन तो हर एक को चाहिए। आप इंग्रेडिएंट्स के खाने में सिलेक्शन किस तरह से करते हैं? क्योंकि ऐसे लाजवाब और इतना एक एक चीज़ इतनी मुनासिब होती है कि मतलब आपको कोई किसी किस्म की आप कमी नहीं निकाल सकते कि जो डॉक्टर साहब ने अगर ये डिश बनाई है, तो एक भरपूर किस्म का इंग्रेडिएंट्स का की अवेयरनेस वो आप में कहाँ से है? बड़ी सिंपल सी बात है, वो सवाल बहुत उमदा है भाईजान। मेरा जो काम है, मैं बुनियादी तौर पर एक डॉक्टर हूँ, हिकमत, तबाबत और
पकाना बहुत करीब है। हर चीज़ का अगर मौजू तादाद होगी तो वो इकसीर और मसीहाई बन जाएगी, वो दवा बन जाएगी। और ज़रा सा इम्बैलेंस किया आपने तो आपको पता चला कि सारा मामला ही ख़राब हो गया। खाना वो हो कि जब आप एक तरह किसी को खिलाएं, ना तेजाबियत हो ना जलन हो, जायका भरपूर हो। मैं समझता हूँ आज तक वैसे ये मेरा कोई पाँचवीं छठी दावत होगी, और कभी आज तक नहीं हुआ कि तेजाबियत हुई हो या पेट भारी हो गया हो या फीलिंग हो कि हाँ मैंने इतना ज़्यादा क्यों खा लिया। हालांकि मुझे इनके यहाँ के ओवर ईटिंग, बल्कि ओवर ईटिंग क्या, ओवर द टॉप ईटिंग, तो लेकिन थोड़ी देर बाद ख्याल आता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो बड़े आराम से हजम हो जाता सारा खाना। उसमें कुछ ऐसे ही हर्ब डालते हैं, पता नहीं अपनी मोहब्बत के इंजेक्शन लगाते हैं या क्या करते हैं कि वो अभी तो खबर है सिर्फ मेरे साथ खाना ही खाया है। हाँ। मेरे बाकी मामला में भी ये होते हैं, बाद में कभी पता नहीं। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री इतना नहीं जानती होगी जितना ये जानते हैं डॉक्टर होने के बाद। इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके पास नॉलेज कहाँ से आता है। हाँ, और ये इतनी, आपको क्या शौक है मतलब इतनी डेप्थ में और इतनी, और वो भी हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री ना के बाहर की फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ के बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आपको तो पूरा मतलब इसके बारे में प्रोग्राम करना चाहिए। मैं आपको बात बताऊँ, ये अल्लाह ताला आपको खुद किसी चीज़ के करीब। आप रिसाले पढ़ते थे? नहीं, रिसाले क्या, किस तरह नॉलेज है? रिसाला पढ़ने की जरूरत ही होती थी इसलिए कि रिसालों में जिनकी तस्वीरें होती थी वो जिंदा खुद मेरे सामने बैठे होते थे, मैं उन्होंने पढ़ता कि रिसाले पढ़ता। और बात ये है कि देखिए जिस ज़माने में मैं छोटा था, आई स्टार्टेड लिविंग इन लाहौर, आप यकीन कीजिए 1970 की बात है, 1970 में लाहौर में रहना है ख्वाब में रहना, बिल्कुल ऐसे। आप जिन सड़कों को आज देखते हैं वो ऐसे थी जैसे धुली हुई ब्यूटी पार्लर से तैयार हो गए सड़क बार आई है। हर पत्ता सब्ज था, हर फूल वाले पौधे के ऊपर फूल थे, यकीन कीजिए। और उस जमाने में पाकिस्तानी फैशन जो ना नजर आया था अखीर फैशन ये। अच्छा, किसी भी पार्टी में जाना तो पता चलना है कि भाई थोड़ी देर गुजरी तो या अल्लाह एक परफेक्टली क्लैड औरत आनी। हाँ। जेबा बेगम, जेबा बेगम ऐसे तैयार होती थी कि एक बाल भी कभी अपनी जगह से नहीं, स्टाइल आइकॉन होती थी, स्टाइल आइकॉन सर जी। उसके बाद पता चलना कि शबनम आई है, ब्लाउज ऐसा कि किसी को नसीब ही नहीं हुआ पहनना, ढाके से उनकी बहन साड़ी इतना भेजती थी वो शाम को उड़ के आ जाती थी। फिर एक औरत ने आना, पता ये चलना कि यार इसे देखते ही रह जाएं, रानी बेगम। फिर ऐसा होना कि हसीनों से भरा हुआ कमरा होना, एकदम से लगना कि भक से कमरे की रोशनी में 10 गुना इजाफा हो गया है, पूरी फिजा खुशबू से महक उठी है, और एक चांदी की घंटियों की हंसी सुनाई देनी, नज़र उठाना तो मैडम नूरजहाँ ने खड़े होना। मियाँ, ऐसे परिस्तान के अंदर जो शख्स रह चुका हो उसको फिर कोई चीज़ नहीं भाती, उसको मुसव्विर या निगार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पेश आती। आज की अदाकारों को लफ्ज़ बोलना नहीं आता, आप यकीन कीजिए किसी मामूली लड़की का नाम ले उस जमाने की, उसकी डिक्शन इतनी अच्छी थी, कपड़े अपने वक्त के मुताबिक। सायका बेगम एक खातून थी, आज आप लोग जानते नहीं, सायका ने बेल बॉटम पहना, शॉर्ट शर्ट पहनी, गले में गोल करके दुपट्टा पहना, एंड शी वुड लुक लवली। बुरा ना मानिए, आज के अदाकाराएँ आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मगर उनमें चंद खूबियां मौजूद हैं। मैं यहाँ पे एक औरत का जिक्र करना चाहता हूँ जो मुझे बिल्कुल कीजिए, ओपन शो है हमारा। उनका नाम है मीरा। मीरा के अंदर वो स्क्रीन प्रेजेंस है जो मैरिलिन मनरो के अंदर थी। हमने अपनी अदाकारों को ग्रूम नहीं किया, हमने अपनी अदाकारों को इज्जत नहीं दी, हमने उनको वाकई इवॉल्व नहीं होने दिया। कसूर तो हमारा है, आप अपने दौर की जिस चीज़ की कदर नहीं करेंगे वो आपके दौर में ख़राब हो जाएगी। मेरी नज़र में सना एक कमाल लड़की है। सना फ़खर की तैयारी, उसकी फिटनेस, उसकी पर्सनैलिटी, अब तो काफ़ी ग्रो कर गई, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरी मुझे बताइए कि क्या मैं उस ज़माने के अलावा इस ज़माने पर भी गहरी नज़र नहीं रखता इन दो लड़कियों के अलावा? बाकी वो किम खाब रेशम वेशम, मतलब औरत का नाम जब कपड़े पे रख दिया जाए तो फट ही जाता है। But every day is a new day for you, मतलब नहीं, मुझे बताएं आपका जो ये जो इंटरेस्ट है फिल्म से रिलेटेड, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री तक है या इंडिया और हॉलीवुड तक भी है? खबर पे पहुंच गया, मैं बहुत बुरी तरह नेशनलिस्ट हूँ, मुझे अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत है, इस मोहब्बत का हक नहीं मैं अदा कर सकता, मैं कहीं और क्यों देखूँ? भाई ये बता नहीं, मुझे उनसे नफरत है, मुझे लाहौर को ओन करना है, मुझे अपने मुल्क की चीज़ों को ओन करना है। आई रियली बिलीव कि हमारी फिल्में जैसी भी थी, एडी उन्होंने एक नहायत बंजर और बोझल एग्जिस्टेंस को मीनिंग दिया, रंग दिया, कल्चर दिया, कल्चर दिया, कसम से। अच्छा एक मुझे बताइएगा,
कि एवरी डे यू नो यू पोस्टिंग अ न्यू पिक्चर, यू नो यू आउट फॉर सैरी और यू नो डिनर और एनीथिंग. हाउ डू यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी? ये क्या चाहते हैं कि सारा दिन काम करने के बाद में जब थक हार के घर बैठ जाऊं तो मैं एक सफेद चादर ओढ़ के बेवा की मुनाजात पढ़ा करूं? अरे अच्छा, डॉक्टर बनना आपकी चॉइस थी या पेरेंट्स की? एब्सोल्युटली मेरी चॉइस थी. अच्छा, एब्सोल्युटली मेरी चॉइस थी. मेरी वालिदा ने एक दफा सब ये कहा था, जो जमाने में बच्चों को जो पोलियो वोलियो के टीके लगते थे वो घर घर आते नहीं लगते थे, उसके लिए मैं मेयो हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में जाना पड़ता था. अच्छा, तो मेरी वालदा गाड़ी चलाते हुए मुझे साथ लेकर नीला गुंबद से उन्होंने मोड़ मोड़ा. मेरी 2 साल उम्र होगी, सामने आलीशान किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के पटियाला ब्लॉक की बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के बाहर कुछ बच्चे व्हाइट कोट पहन के खड़े थे जो जमाने में बहुत बड़े लगते थे, आज तो बिल्कुल भी छोटे लगे. और बात उसमें से ये हुई कि मेरी वालदा ने उनको नज़र करके देखा और फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगी कि एक दिन तुम यहाँ से डॉक्टर बन के निकलोगे. भाई एक माँ की ख्वाहिश जो है ना वो ऐसी दुआ बन जाती है जो कभी रद्द ही ना हो. कबूलियत का कोई लम्हा था एडी, मैं कसमिया कहूँ. कुछ साल गुजरने के बाद मैं सिर्फ उस कॉलेज से डॉक्टर बन के नहीं निकला, मैं उस कॉलेज का पंजाब यूनिवर्सिटी का बेस्ट ग्रेजुएट बन के निकला. अब मैं वाकई ये चाहता हूँ कि लोग ये समझें कि जब तक माँ और बाप की बहार है इस बहार का पूरा लुत्फ है. अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में मशहूर है कि आप कुछ मामले बहुत स्टबर्न हो जाते हैं और जब जो कुछ आप कई दफ़ा आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें रद्दबदल पसंद नहीं करते और इतने प्रोग्रेसिव होते हैं अपने लिखे के बारे में कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते और बात बड़ी मतलब बिगड़ जाती है. बिल्कुल, इसलिए कि देखिए एक फनकार है, एक तख्लीककार है, उसने जो जुमला लिखा है उसमें अपनी जिंदगी भर के तजुर्बे को समो दिया है. मानी की एक जिंदगी है, उसको खास तरीके से बोलना है. हमारा मसला ये है कि हम स्क्रिप्ट लिखकर एक हिदायतकार को दे देते हैं जो बिल्कुल जाहिल होता है, वो उससे भी जाहिल अदाकार को दे देता है. देयर इज एब्सोल्युटली नो रेपो बिटवीन द पर्सन हु इज रिटन अ डायलॉग एंड द वन हु इज गोइंग टू एक्चुअली रिले दैट डायलॉग टू द पीपल. मुझे इसी तरह याद है कि बेगम नवाज़ शरीफ मेरा किरदार है, आपको भी जानने वाले. मैं जब बेगम नवाज़ शरीफ लिखता था उसमें कोई बेहूदगी नहीं थी. मुझे अपना जुमला इसी तरह याद है कि औरत के मसाइल का बहुत जिक्र होता है. चाइनीज आप क्या जाने खूबसूरत औरत के कितने मसाइल हैं. जिस जगह जाती हूँ वहाँ सामने से कोई भी मर्द ख्वाहिश का इश्तिहार माथे पर सजा के एन मेरे सामने खड़ा हो जाता है. और आप तो जानते हैं जानीस, मेरा स्टाइल दिल तोड़ने का नहीं मुंह तोड़ने का है. अब इस जुमले को अदा करने के लिए आपको ये सारा जीरो बम चाहिए. आई डू नॉट राइट कॉमेडी जो आपके ये बाटे बाटे सारे लिख रहे होते हैं. आप पंच लाइन नहीं लिखते, आप एक मार्फत का जुमला लिखते हैं. अच्छा, एक लोगों का आपसे और भी शिकायत है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम होस्ट करते हैं तो आप बदम का को बोले नहीं देते, आपके क्वेश्चन बस माइक आपके हाथ में. बिल्कुल, उनके पास ये इसलिए है कि मैं वहाँ जाता क्या हूँ करने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए. अगर उनके पास इतना ही अच्छा बोलने के लिए है तो हाँ मुझे चुप करवा दो और क्या. मियाँ जिनके साथ मुझे बिठाते हो उनको ये ही नहीं कि चुप नहीं कर चुप ही कर रहे मर भी जाना चाहिए ना, ये पता होता है कि किस बात पे बात करनी है. ना कोई होमवर्क, ना जिंदगी का तजुर्बा, ना किसी के साथ सोबत उठाई हुई, ना किसी को जानते हैं. यकीन कीजिए मैं हैरान हो जाता हूँ. एक दफ़ा एक खातून मेरे साथ बैठी थी, उस सामने एक लड़की बैठी हुई थी, तो उनसे पूछा कि मतलब कि मैं हाजिर तवांगी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी होस्ट बन गई हैं. कहने लगी कि अच्छा आप ये बताइए अनिला कि शादी होगी आपकी? उसने कहा नहीं अभी तो नहीं. अच्छा ये बताइए बच्चे कितने? मतलब दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट. आई नो. बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, आप किसी भी मौजू को ले लीजिए, मेरे अल्लाह ने उस मौजू के अंदर मुझे डबो के निकाल दिया. अब उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैंने जो तक देखा है, जो सुना है, जो सीखा है, वो सारा ले लेकर हूँ. सर ब्रॉडकास्ट टाइम बड़ी कीमती चीज़ है, जो बढ़ के हाथ में थाम ले मीना उसी का है, जिसने जाने दिया उसकी तो खत्म होगी बारिश सारी. और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब एंड थैंक यू वेरी मच हावर, इट वाज अ ग्रेट टाइम. अफ्तारी के बाद हम आए थे, अब सैरी का वक्त हो गया और बहुत 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 मज़ा आया. जज़ाकअल्लाह एंड टू मीट अगेन. बाय बाय.